मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के वर्तक नगर पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी राज वंजारा को टिटवाला से गिरफ्तार कर लिया है। थाने के लोकमान्य नगर 3 में मोबाइल चार्जिंग करने को लेकर जगदीश नामक एक युवक से साहिल कांबले और अभिषेक कसरेकर नाम के शख्स से विवाद हुआ था, जिसमें विवाद स्थानीय निवासी सुमित राउत ने सुलझा दिया था, मगर साहिल और अभिषेक को मामला समझौता कराने वाले पर गुस्सा आया और इन लोगों ने प्लान बनाकर चाकू से सुमित राउत पर हमला कर दिया। इस हमले में सुमित राउत की मौत हो गई थी। ये पूरी वारदात 15 मार्च 2022 को हुई थी। उस वक्त साहिल कांबले और अभिषेक केसरकर और एक नाबालिग लड़के को वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर मुख्य आरोपी राज वंजारा ये फरार हो गया था। करीब 2.5 महीने बाद पुलिस ने टिटवाला से राज वंजारा को गिरफ्तार कर लिया है और राज वंजारा के ऊपर हत्या और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज वंजारा एक पुलिस के रिकॉर्ड में एक बड़ा गुनहगार है। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, हथियार के साथ गुनहगारी करना, एक संगठित टोली चलाना, उसके ऊपर पैसे कमाना और फरार होकर ये लोग अलग अलग जगह पे जाकर वहाँ पर भी एक क्राइम करते हैं। तो मार्च महीने में जो हमारे NGVR पाड़ा में हत्या हुई थी राउत नाम के लड़के की, उस हत्या के बारे में उसका हम खोज कर रहे थे। तकरीबन 2.5 महीने से ये फरार रहा था। इसके खिलाफ ओडोली और बसंत नगर पुलिस में हत्या के मामले दर्ज है और उसको कल पुलिस ने इंफॉर्मेशन वर्कआउट करके गिरफ्तार कर लिया है। इस हैबिचुअल एंड बड़ा क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।